चलो ठीक है। तो ये बताओ, कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, क्या उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है? चलो एवरीबॉडी, हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था? सर, नॉइज के बारे में। सर, नॉइज में जो सर हिंड्रेंस होता है उसको अवॉइड हाँ, करना, खराब गुड करने के मॉर्निंग लिए। सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो नॉइज के बारे में डिस्कस किया था, फाइन। यस उसके सर, बाद यस हम लोगों सर, ने रीच रीच और कवरेज, तो यस वो सर, सब तो रेंज पहले वाले कवरेज क्लास में पहले का, बताया। रीच एंड कवरेज, दीज टू इम्पोर्टेंट यस सर, कॉन्सेप्ट्स वी यस सर। डिस्कस्ड, है ना। सो रीच और कवरेज, व्हाट इज रीच एंड व्हाट इज कवरेज? रीच और कवरेज से आप क्या समझ रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको? सर एग्जैक्ट रीच डिस्टिनेशन होता है सर, ये जहाँ पर हाँ, मतलब मतलब जो थोड़ा है और थोड़ा बताओ, इलेबोरेट करो सर, इसको सर मेजर थोड़ा। किया जाता है सर, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑडियंस के बीच में से इसको मेजर किया जाता हाँ, कुछ और एग्जांपल देके आप बता सकते हैं? है। मतलब सर जैसे होगा कि सर एक अप्रोप्रिएट डाटा हुआ सर, मतलब कंफर्म सर यहाँ तक पहुँचना, जैसे कि सर मीडियम होता है ना सर, जैसे कि हम ऑडियंस के पास मतलब जो 100% जो सर डाटा होता है सर वो रिच होता ओके, एनीबॉडी एल्स, कोई और कुछ कहना चाहेगा? सर। क्वेश्चन क्या था? क्या पूछे सर? रीच एंड कवरेज, यस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट रीच एंड कवरेज। जस्ट आई वांट टू नो, आई वांट टू रिकैपिचुलेट द लास्ट सेशन, व्हाट वी डिस्कस्ड यस्टरडे, रीच एंड कवरेज। यस सर। So what is coverage? Coverage means what? Reach means what? सर मतलब कि कवरेज मतलब होता है कि लार्जर सेट रेफर्स टू रीच टू ऑल पोटेंशियल ऑडियंस। जैसे हम कोई भी एडवर्टीजमेंट करते हैं तो जितना मेरा पोटेंशियल ऑडियंस है उसके पास तक चला जाता है उसको कवरेज बोलते हैं। और रीच मतलब होता है कि जैसे एडवर्टीजमेंट हुआ उसको एक बार भी हम लोग देख लेते हैं, मतलब वन टाइम एक्सपोजर को रीच कहते हैं। ओके, फाइन, फेयर इनफ। और कोई कुछ बोलेगा? एनीबॉडी एल्स? कवरेज कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ इवेंट दैट आर शोन इन न्यूज़पेपर्स। अमाउंट ओके, ऑफ इवेंट्स आर द अमाउंट ऑफ एनी टाइप ऑफ इवेंट दैट आर शोन न्यूज़पेपर मैगजीन सर। यस सर, मतलब ओके, सर फाइन, जो यस सर बोलो अमाउंट बोलो। ऑफ इवेंट वी कैन से। यस सर, ओके, फाइन, यस सर, यस सर। ओके, फाइन। सो देखो, सिंपल, एकदम एकदम इन अ लेमैन लैंग्वेज, ठीक है, एकदम मैं लेमैन का लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, ठीक है। कवरेज यस टॉक्स अबाउट पोटेंशियलिटी, ठीक है। कवरेज मींस कितने लोगों तक आप पहुंच सकते हो विथ अ पर्टिकुलर मीडिया। से फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, सो टाइम्स ऑफ इंडिया वो कितने लोगों तक पहुंच सकता है, यानी कि पोटेंशियलिटी की बात कर रहे हैं। टेलीविजन, टेलीविजन कितने लोगों तक हम टेलीविजन के थ्रू पहुंच सकते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यस विथ सर, द हेल्प ऑफ दिस टेलीविजन एज अ मीडिया, हम कितने लोगों तक हम अपनी बात कन्वे कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं विद दिस टेलीविजन। सो वो जितने लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, दैट इज माय पोटेंशियल ऑडियंस, ठीक है। सो दिस यस पोटेंशियल ऑडियंस को हम बोलते हैं कवरेज, मीन्स हम इतने थ्रू टेलीविजन हम इतने लोगों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो हर मीडिया का अलग अलग कवरेज हो सकता है, ठीक है। टेलीविजन का कुछ अलग कवरेज हो सकता है, रेडियो का कुछ अलग कवरेज हो सकता है, आपका न्यूज़पेपर, इवन की स्पेसिफिक न्यूज़पेपर्स का सर अलग अलग कवरेज हो सकता है ना। टाइम्स ऑफ इंडिया का कवरेज अलग है, हिंदुस्तान टाइम्स का अलग है ना। सो एवरी मीडिया ना का कवरेज सर, मीन्स
पोटेंशियल ऑडियंस तक रीच करना, ठीक है। नाउ व्हाट इज रीच? रीच मींस कि उस मीडिया से अगर आपका एक बार भी एक्सपोजर होता है, जैसे मैं कह रहा हूं, पहला बात मैंने क्या कहा कि टेलीविजन से हम कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो अंकुश राज, सो टेलीविजन से फॉर एग्जांपल हम 10 करोड़ लोगों तक पहुंच सकते हैं, यानी कि टेलीविजन की पहुंच है वहां तक, कवरेज है वहां तक। बट ये जरूरी नहीं है कि जब उस मीडिया से सभी का एक्सपोजर हो जाए। सभी, हाँ, टेलीविजन जब चल रहा है तो कोई जरूरी है कि जितना पोटेंशियल है सारे लोग एक्सपोज हो जाएं, है ना। सो कवरेज, कवरेज एक लार्जर सेट होता है और रीच उसका एक, यू कैन से इट इज अ सबसेट, यानी कि उस मीडिया से अगर, और वो भी हम जरूरी जब रीच की बात करते हैं, इट इज डिफाइंड विथ अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। सो आज के दिन मैं कह रहा हूं कि आज के दिन हमारा ये चैनल से फॉर एग्जांपल स्टार न्यूज की का कवरेज ये है और रीच ये है, यानी कि आज के दिन में हम कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं और आज के दिन हमारा ये स्टार न्यूज का एक्सपोजर कितने लोगों तक हुआ, ठीक है। सो इट मे हैपन कि आपका पूरा कवरेज रीच में कन्वर्ट हो गया, इट मे हैपन, बट यूजुअली इट डजंट, ठीक है। कवरेज ऑलवेज, रीच जो है वो कवरेज से थोड़ा छोटा होता है, और बहुत जगहों पे आप देखेंगे कि इन दोनों वर्ड्स को, रीच एंड कवरेज को, एज अ सिनोनिम्स के रूप में भी यूज कर लिया जाता है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट यही समझना है कि हम कहां तक, कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, दैट इज कवरेज, और कितने लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं, कितने लोगों से हमारा एक बार भी एक्सपोजर हुआ विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। सो आज के दिन इतने लोगों तक हम हमारे मीडिया से इतने लोगों का एक्सपोजर हुआ है, दैट इज द रीच फॉर दिस टाइम। कल कितने लोगों का होगा, दैट नोबडी कैन से, है ना। हो सकता है कि उस एरिया में पावर फेलियर हुआ और लोग मीडिया कंज्यूम नहीं कर पाए, टेलीविजन नहीं देख पाए, इसका मतलब उस दिन के लिए रीच घट गया। कवरेज है, पोटेंशियलिटी है, देख सकते हैं, बट फॉर दैट पर्टिकुलर डे कुछ ऐसा हुआ, वहां पर कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गए, सारे जगह पर पावर फेल कर गया और वो आपकी रीच घट गई उस दिन की, उस दिन लोग एक्सपोजर नहीं हो पाया, फाइन। सो दैट इज द टेक्निकल डिफरेंस। फेयर इनफ, किसी का कोई डाउट? सर एक बार रेंज सर समझा दीजिए। क्या एक बार सर? रेंज, 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 यस सर, रेंज समझा। रेंज तो हम लोगों ने कल बात नहीं किया है कुछ, रेंज किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं? रेंज रोवर, हाँ सर, मतलब आप जो पढ़ाए ना सर, रीच कवरेज, रीच, रीच, यस सर, रेंज सर समझा दीजिए एक बार। रेंज मींस आर, कहाँ पढ़ा है सर? आर ए एन जी ई, यस सर, रेंज, आर ए एन जी, रेंज सर। रेंज की तो हम लोगों ने कोई बात नहीं की है सर, रीच पढ़ा है, रेंज नहीं, रीच के बारे में वो पूछ रही है। रीच पढ़ा है सर, रीच, जस्ट मिनट, लेट मी, बोलेगी ना कि रीच पूछना है, बोल रही है जब से रेंज, रेंज पूछ के क्लास को डिस्टर्ब करना है। डोंट अननेसेसरी बात करने से कोई फायदा है डियर, ठीक है ना। हम लोग क्लास की डिसेंसी और मॉडेस्टी को अगर बरकरार रखें तो दिस क्लास विल बी वेरी ब्यूटीफुल, and I will be highly thankful to all of you for that, hai na. So please try to maintain decency, modesty and decorum of the class. It's my personal appeal to you. Fine, let me start my slide. Uske baad shayad kisi ka koi confusion hai to aur clear ho jayega, just a minute. Okay, in the meantime I am sharing you the attendance link. Where is the chat box?
77. Fine. Please mark your attendance. It's 11:10. The link will be closed by within 2 or 3 minutes. So make it fast. तब तक मैं अपना पीपीटी ऑन कर लेता हूँ. Sir, you are already responded. क्या है? Yes sir, बोल रहा हूँ. Already responded. पुराना लिंक दे दिया था. Responded. क्या उसमें आप बात नहीं कर रहे? क्या बोल रहे हो? वो क्या वो रिस्पांस आपसे नहीं ले रहा है? You have already responded. ये बोल रहा है. Okay. Yes sir. Okay, fine. Let me delete all responses first. मैं पुराने responses को delete कर देता हूँ. शायद उसके बाद आपसे लेगा. ले रहा है सर. अब ले रहा है ना? यस सर. चलो ठीक है, अब मार्क कर दो. मेरा स्क्रीन भी विजिबल हुआ है सर. यस सर. कल मेरा सर अटेंडेंस नहीं बन पाया था, मेरा डिस्प्ले फ्रीज हो गया था सर. प्रेमजीत कुमार. आई एम सॉरी डियर, मैं उसमें अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा. सर आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, इसमें मैं अवेलेबल था मेरा. दिस इज नॉट पॉसिबल सर. चेक रिकॉर्डिंग से यार. मैंने देखो क्लास के शुरू में ही मनीष का प्रॉब्लम था, मैंने बताया. नहीं सर, मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ सर. मेरा डिस्प्ले स्क्रीन या कुछ होता है ना सर, वही चालू हो गया सर. तो वहाँ डबल फिंगर से हो रहा था सर, नीचे ऊपर सर, कुछ भी. मैं अभी फिलहाल उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा. हाँ बोलो सर. मेरा फोन टूट गया है सुबह में ही सर. तो सर मेरा सर डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है. काम कर रहा है सर. तो मैं दूसरे आईडी से सर लॉग इन करने के लिए सर आपसे बोला था सर, क्योंकि सर उसका ईमेल आईडी का जो है पासवर्ड वो फॉरगेट हो चुका है. इसको ऑलरेडी मैंने आपको शेयर किया था सर. तो आपको शेयर किया हुआ है उसको सर. हाँ, हमने उसको फॉरवर्ड किया हुआ है. एंड आईटी टीम विल रिजॉल्व इट. देख नहीं पा रहा हूँ सर. स्लाइड आप नहीं देख पा रहे सर? लिंक एक बार भेजिएगा सर. अच्छा ठीक है, अभी फिर से एक बार करो, ज्वाइन करने की कोशिश करो. ठीक है सर. कर लीजिएगा. मैंने बोला ना डियर, मैं रिकॉर्डिंग चेक नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज दैट्स वेरी डिफिकल्ट. सर अटेंडेंस में फॉल्ट कैसे आ जा रहा है सर? क्या फॉल्ट आ रहा है सर? पिछले बार भी मैंने 3 क्लास किया, मेरा एक ही अटेंडेंस था. मैंने मेल भी किया, मेल भी नहीं जा रहा था. सर वो सब बात जो भी है, आपका जो भी इशू है ठीक है ना, आप अलग से मेल मेरे को भेज दीजिएगा. ठीक है? ठीक है. और ये ध्यान में रख लो कि मेरे पास जो रिकॉर्डेड रहेगा, मतलब जो चैट में रहेगा या रिस्पांस, ये जो शीट है उसमें अगर रहेगा तभी अटेंडेंस बन पाएगा.
ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, कोई बात सर, कल का एक बार देख लिया हम सर रिकॉर्डिंग, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम मिडिल टाइम का सर, मैं अवेलेबल है सर, मेरे बस स्प्लिट स्क्रीन हो गया था जिसके कारण सर टाइपिंग ही नहीं कर पा रहे थे सर। नाउ आई एम क्लोजिंग द रिस्पांस। ओके सो स्क्रीन विजिबल, स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है? यस सर। So, we were discussing about reach and coverage, not range, hai na? So, someone was saying about range. So, range ki to hum logon ne koi baat nahi ki hai abhi tak, theek hai? So, I'm not able to understand in what context you are talking about. So, okay, we have discussed about reach and coverage. So, रीच मीन्स कितने लोगों तक एग्जैक्टली कितने लोगों के साथ हमारा मीडिया का एक बार भी एक्सपोजर होता है, हाँ? और कवरेज इज द पोटेंशियल नंबर जहां तक हमारा मीडिया पहुंच सकता है, ठीक है? यस। ओके एक मिनट मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, है ना? ओके यस सर, अभी बढ़िया है। हाँ, अभी ठीक है ना? सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रेटजी, मीडिया स्ट्रेटजी। सो दिस वर्ड स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी का जेनेरिक मीनिंग क्या है? व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेटजी? प्लानिंग, अ काइंड ऑफ प्लानिंग यू कैन से, है ना? अ काइंड ऑफ प्लानिंग ही है स्ट्रेटजी को, हम उस तरह से भी आप बात कर सकते हैं। सो किस तरह से हम अपने डिफाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करें, है ना? सो व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबल वेज, व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबल एक्शंस व्हिच कैन बी टेकन टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव, दैट कैन बी सेड एज एन स्ट्रेटजी, ठीक है? सो दिस स्ट्रेटजी इज यूज्ड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और लाइफ। लाइफ के लिए आप अपनी स्ट्रेटजी कुछ बनाते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको क्या क्या एक्शन लेने होंगे, है? So, सिमिलरली मीडिया के अंदर में भी आपका जो मीडिया ऑब्जेक्टिव है, जो आपका कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव है, इनफैक्ट सो हाउ यू व्हाट एक्शंस यू विल टेक टू अचीव दोज कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स, फाइन? सो स्ट्रेटजी इज सिंपली सेलेक्टेड सेट ऑफ एक्शंस टू अचीव द डिजायर्ड कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। So, इस स्ट्रेटजी के अंदर में हमारा क्या क्या रहता है? So, ये स्ट्रेटजी के अंदर में डिटेल रहती है, जैसे कि विच मीडिया टू यूज, हम किस मीडिया को यूज करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, विच मीडिया, मीडिया मीन्स मीडिया क्लास वी कैन यूज, विच स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल वी हैव टू यूज, एट व्हाट टाइम, व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट टाइम to convey the communication or to air the communication, kis time mein, because this timing is very important. So aapko kis time mein apna ad place karna hai, agar hum newspaper ki baat kar rahe hain to kis day mein newspaper ad karna, ye bhi aapko maine rakhta hai. Kya Sunday will be more suitable, Monday will be more suitable or any other days, because har din ka reach कवरेज हो सकता है हर दिन का एक जैसा हो, बट रीच हर दिन एक जैसी नहीं रहती है, है ना? संडे को आपके पास हर घर में एवरीडे न्यूज़पेपर आता है, बट संडे एक ऐसा दिन होता है जहां पे लोग थोड़ा तसल्ली के साथ न्यूज़पेपर देख लेते हैं। हॉलीडे, वीकेंड होता है, हॉलीडे होता है, सो हॉलीडे के अंदर, संडे के अंदर अगर आप देखेंगे, हो सकता है किस किस तरह के न्यूज़पेपर का आपका रेट भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है? सो डिपेंडिंग ऑन द पोटेंशियलिटी कि उस दिन आपका कितना चांसेस है लोगों तक पहुंचने का, कितना फायदा हो सकता है, सो हम टाइमिंग उसके हिसाब से देखते हैं। अगर हम न्यूज पे टेलीविजन की बात करते हैं तो ये टाइमिंग और ज्यादा क्रिटिकल है। सो जब भी क्रिकेट का मैच चल रहा है, ठीक है, खास करके दो बहुत अच्छी टीम जब खेल रही है, उस टाइम में क्या है कि लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उसको देखना, दैट प्रोग्राम इज वेरी पॉपुलर वन। उस टाइम पे आपका जो एडवर्टाइजिंग स्लॉट्स
उनका रेट बहुत ज्यादा रहता है. सो दिस टाइमिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ प्लेसमेंट ऑफ एड. प्लेसमेंट ऑफ एड मीन्स कि आप अपना कम्युनिकेशन, अगर से फॉर एग्जाम्पल इट इज होर्डिंग आउटडोर मीडिया, यू आर यूजिंग आउटडोर मीडिया, तो वो आप अपनी प्लेसमेंट कहाँ पे करेंगे, आप किस जगह, एट विच लोकेशन यू विल प्लेस योर एडवर्टीजमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर न्यूज पेपर की बात करते हैं, इवन दैट इज इट द फ्रंट पेज, इट इज इट क्लासिफाइड, इज इट सेकेंड पेज, थर्ड पेज और वट एवर. ठीक है, इवन इट इज इवन इफ इट इज अ मैगजीन, देन मैगजीन में जो सबसे ज्यादा कॉस्टली पेज होता है दैट इज उसका फ्रंट, इनसाइड फ्रंट और जो बैक पेज होता है. ठीक है ना, जो कवर पेज जो बैक साइड में होता है उसका भी चार्जेस बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज दैट इज विजिबल, वो बाहर से ही दिखता है, उसको मैगजीन खोलने की जरूरत पहली नजर में ही दिख जाता है, वो पहली नजर में ही दिख जाता है. हाँ, सो उसके लिए मैगजीन खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है. और अगर कोई मैगजीन खोलता भी है तो उसका जो इनसाइड पेज होता है, कवर पेज का इनसाइड, उसका भी रेट ज्यादा होता है, बिकॉज एक तो है कि उसका पेपर क्वालिटी डिफरेंट होता है और उसका एक्सपोजर का चांसेस ज्यादा रहता है. ठीक है, सो इस तरह से है, हर एक मीडिया का अपना अपना कुछ है कि कहाँ पे प्लेस करें ताकि वो आपको ज्यादा उसका फायदा मिल सके. कॉस्ट भी, कॉस्ट को भी आपको एनालाइज करना है. सो ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड अंडर योर मीडिया स्ट्रेटजी. फाइन, सो विच टेलीविजन के सेंस में ये प्लेसमेंट कैसे काम करेगा? प्लेसमेंट उसके सेंस में है आपका कि कौन सा चैनल आप यूज करते हैं. ठीक है, यू हैव एन नंबर ऑफ चैनल्स विथ यू. ठीक है, सो आप कौन सा चैनल लेते हैं और कौन सा टाइम, टाइमिंग ऑफ द एड मींस आप किस टाइम पे देते हैं, और प्लेसमेंट यू कैन से कि आप कौन सा स्पेसिफिक चैनल में आप देते हैं. इट हो सकता है कि अगर से फॉर एग्जांपल यू आर अ रीजनल प्लेयर, राइट नाउ यू आर नॉट अ नेशनल प्लेयर. सो अगर आप रीजनल प्लेयर हैं तो देयर इज नो पॉइंट एयरिंग योर एड इन अ नेशनल चैनल, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज उसमें से आपका बहुत वेस्टेज होगा, मीडिया वेस्टेज उसको बोलते हैं. हाँ, दैट इज नोन एज मीडिया वेस्टेज, यानी कि आपका पैसा उसमें वेस्ट हो जाएगा. आपने हमने स्टार न्यूज में जो पैन इंडिया कवरेज है उसमें हमने अपना एड दिया, बट आई एम नॉट प्रेजेंट ऑल ओवर द इंडिया, आई एम अ रीजनल प्लेयर, राइट नाउ माई प्रोडक्ट्स और सर्विस इज अवेलेबल इन बिहार और यूपी और झारखंड ओनली. सो देयर इज नो पॉइंट. उसके बाद क्या होगा कि बिहार, यूपी और झारखंड, इसके अलावा जो भी ऑडियंस उस एड को देखेगी, ठीक है, तो दैट इज, दैट विल बी शेयर वेस्टेज ऑफ माई मनी. इसी को कहते हैं लोग मीडिया वेस्टेज. सो टेलीविजन अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें देखना है कि हमारा प्रेजेंस है कि नहीं उस ज्योग्राफी में जहां पे हमारा एड को हम प्लेस कर रहे हैं, जहां पे हम अपने एड को एयर कर रहे हैं. सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटजी. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन हमें स्ट्रेटजी के अंदर में क्या लेना होता है कि सिलेक्शन ऑफ राइट मीडिया क्लास. मीडिया क्लास मतलब एक ब्रॉड क्लास, लाइक टेलीविजन, लाइक न्यूज पेपर, प्रिंट, ब्रॉडकास्ट मीडिया है, टेलीविजन है, रेडियो है, ये सारे क्या है, बोलो, ये मीडिया क्लास. ब्रॉडकास्ट, हाँ, ब्रॉडकास्ट अगर मैं बात करता हूँ तो ब्रॉडकास्ट एक बहुत बड़ा क्लास हो गया, उसके अंदर सब क्लास हो गए आपके रेडियो एंड टेलीविजन, दीज आर सब क्लास, और उसके अंदर में आते हैं आपके स्पेसिफिक व्हीकल्स. ठीक है, सो सबसे पहले हमें डिसीजन लेना है कि कौन सा मीडिया क्लास हम चूज करेंगे, यानी कौन सा अप्रोप्रिएट मीडिया हमारे लिए होगा. उसके बाद हम चूज करते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक व्हीकल ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा हमारे टारगेट ऑडियंस के हिसाब से. हमारा टारगेट ऑडियंस क्या कंज्यूम करता है, क्या हमारा टारगेट ऑडियंस टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, क्या हमारा टारगेट ऑडियंस क्या बोलते हैं स्टार न्यूज देखता है. सो आपको ये एनालाइज करना होता है कि व्हाट इज, व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट मीडिया, स्पेसिफिक मीडिया व्हीकल, एंड व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट टाइमिंग या डेट या जो भी कह लीजिए आप. वोडाफोन क्या है उसका बताओ. वीआई सर, एनटीवी पे सर जो देता है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर के, मतलब सभी लोग हैं जो स्टेट वाइज
दिया हुआ है उनमें सर, 17 से 18 कल्चर सर उसमें, 70-80 कल्चर उसमें डाला गया है सर, ताकि हर जगह उसको पसंद किया जाए, VI को वोडाफोन। और अच्छा हाँ सर, और वो मतलब कि हर घर का पसंदीदा चैनल भाभी जी घर पे है सर, उसमें दिया जाता है प्रचार अंडर सर 2 times। जो नेटवर्क होता है ना उसी में दे रहा, और किसी भी चैनल पर नहीं देता, मतलब कि जो पर्टिकुलर जो एक नेटवर्क है जैसे जी का बहुत सारा चैनल है उसी में VI का ऐड दे रहा, और किसी में मतलब कि नहीं दे रहा है। यही डिसाइड किया है, और ये स्ट्रेटजी डिसाइड करने में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 योर आप बजट। आपका जो बजट रहेगा, आप चाहे आप तो चाहेंगे कि सारे लोग अवेयर हो जाएं, सारे लोग तक आप पहुंच पाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि दिस इज अफोर्डेबल। ठीक है, हम हर न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़पेपर में एड हम देना चाहेंगे, फायदा भी हो सकता है, बट उसमें ह्यूज वेस्टेज हो सकता है, यानी कि आप अपने पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपका बहुत मीडिया वेस्टेज हो सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर बजट, इट डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जेक्टिव कि हम कौन सा चैनल चूज करते हैं, कौन सा मीडिया चूज करते हैं, कौन सा टाइम चूज करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। फाइन, तो अब हम आते हैं मीडिया ऑब्जेक्टिव के ऊपर। सो मीडिया ऑब्जेक्टिव, मीडिया ऑब्जेक्टिव सर, सेट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स विच हेल्प द एडवर्टाइजर्स टू अचीव द मार्केटिंग गोल। सो ये मीडिया ऑब्जेक्टिव होता है, दिस इज अलाइंड विथ योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। हम हर कंपनी का मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव कुछ हो सकता है। कैन यू साइट एनी एग्जाम्पल ऑफ एनी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग गोल, मार्केटिंग गोल का कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? कोई एक मार्केटिंग गोल का कोई एक आध एग्जाम्पल, कुछ हम कैसे करके मार्केटिंग गोल को बनाते हैं, कैसे, कोई एग्जाम्पल कुछ भी? मार्केटिंग गोल, आई एम टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग गोल, बोलो सर। इंक्रीज सेल्स और एक्वायर न्यू कस्टमर्स, बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस सर, बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस ऑफ एनी प्रोडक्ट, बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस ऑफ एनी प्रोडक्ट, increasing sales, है ना? So, but yes, देखो, yes. जब when we are talking about this goal or objective, yeah, so वहाँ पे usually we start with this word to, ठीक है, जब हम अपना objective लिखते हैं तो ये usually start करते हैं to से। For example, जब इसे for example मेरे को अपना एक marketing objective बनाना है, ठीक है, so इसमें ये स्टार्ट होगा टू से। फॉर एग्जाम्पल, टू इंक्रीज माई मार्केट शेयर फ्रॉम 20% टू 25% बाई दिस ईयर एंड। ऐसे, ठीक है, सो अभी प्लीज, अगर आप हमसे कुछ बात नहीं कर रहे हो तो आप अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लो, ठीक है। सॉरी सर, मिस्टेक हो गया, भूल गया। चलो ठीक है, नहीं देखे थे। हाँ फाइन, सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव आई स्टेटेड, टू अचीव माय और टू इंक्रीज माय मार्केट शेयर फ्रॉम से 20% टू 25% विद इन बाय दिस ईयर एंड। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट। हमने टाइम फ्रेम दिया है, किस टाइम तक हम ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, क्वांटिफाइड ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि कहाँ प्रेजेंटली आई एम, माय मार्केट शेयर इज 20% और 25% एंड वेयर आई वांट टू बी, से 20% 25% करना चाह रहे हैं, 25% और 30% करना चाह रहे हैं। सो व्हाट आई वांट टू अचीव, ये स्पेसिफाइड है कि व्हाट आई वांट टू अचीव and by what time I want to achieve this। मैं बात कर रहा हूं कि by this year end, by this
end of the financial year. So by 31st March 2020, 21. So 31st March 21 तक मेरा कंपनी का मार्केट शेयर 20% से 25% हो जाना चाहिए. दिस इज माय ऑब्जेक्टिव. ठीक है. सो अगर आपका कंपनी का ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि आप अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ करना भी पड़ेगा. ऐसा ही तो मार्केट शेयर आपका नहीं बढ़ जाएगा, है ना. से अगर आपका प्रेजेंट मार्केट शेयर इज 20% और आप इस साल तक, इस साल के अंत तक 31st मार्च 2021 तक आप चाहते हैं कि मेरा मार्केट शेयर 20% से बढ़के 25% हो जाए, फॉर दैट डेफिनेटली यू हैव टू टेक सम एक्शन. आप कुछ कुछ करेंगे तभी तो, ऐसे बैठे रहने से तो नहीं होगा. यस सर, है ना. सो आप क्या क्या कर सकते हैं. सो इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्टिव यू विल अलाइन अदर एक्शंस. सो प्रमोशन भी उसका एक पार्ट है. आपके पास एक मार्केटर के हाथ में ओनली 4 टूल्स है ना, द 4 जेनेरिक टूल्स यू ऑल नो, 4 पीज, प्रोडक्ट, प्राइस और क्या है, मैं तो भूल गया, प्लेस है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्राइस एंड, हाँ है ना. तो दीज प्रमोशन, प्रमोशन है ना. सो यही 4 टूल आप आपके पास है. तो अगर आप अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हैं तो यू हैव टू डू समथिंग विद दीज 4 टूल्स ओनली. सो दिस एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया एंड ऑल दीज थिंग्स फॉल अंडर विच पी, किस पी का पार्ट है ये, प्रमोशन. फाइन. सो हमारा पी इस प्रमोशन के अंदर में भी हमें कुछ कुछ करना होगा ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को 25% से 5% जो अचीव करना चाहते हैं मार्केट शेयर, तो उसको हम कर पाए. सो योर मीडिया ऑब्जेक्टिव इज अलाइंड विथ योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव और मार्केटिंग गोल. और मार्केटिंग गोल जो है वो किस चीज से अलाइंड होता है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव वो कहां से अलाइंड रहता है, कैन एनीबॉडी टेल मी, विथ फ्रॉम वेयर यू विल गेट गाइडेंस टू डिफाइन योर मार्केटिंग गोल्स. आपका मार्केटिंग गोल आप जो भी डिफाइन करेंगे, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव जो भी डिफाइन करेंगे, ठीक है, वो किस चीज के ऊपर बेस्ड रहता है, प्रोडक्ट, कस्टमर्स, एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग, और कुछ, एनी अदर आंसर. थोड़ा सोचो, एक सेकंड के लिए थोड़ा टेक योर टाइम एंड थिंक रैशनली. ठीक है, थिंक लाइक अ बिजनेसमैन. ठीक है. सो प्रमोशन आप, सर कैन यू, तो आपका मार्केटिंग, आपका प्रमोशन सर, जैसे हमने एक अभी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आपको बताया, जस्ट लिसन टू मी. ठीक है. सो आपने एक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव अपना डिफाइन किया कि मेरी कंपनी का मार्केट शेयर, मेरे प्रोडक्ट का मार्केट शेयर जो अभी 20% है या अभी 25% से है, वो इस फिनेंशियल ईयर के एंड तक 5% से बढ़ जाएगा. सो ये आपका मार्केटिंग गोल है. मेरा क्वेश्चन है कि ये जो आपने गोल डिसाइड किया है, ये किस चीज से अलाइंड रहता है, ये इसके लिए आप कहां से गाइडेंस लेते हैं, उससे नहीं डियर. देखो आपका मार्केटिंग गोल, दिस इज अलाइंड टू कंपनीज मिशन, विजन एंड
स्ट्रेटजी, कंपनी का क्या गोल है, कंपनी क्या टॉप मैनेजमेंट का गोल है। हाँ, कंपनी के गोल के साथ आपका मार्केटिंग गोल अलाइन रहता है। कैसे, फॉर एग्जांपल कंपनी का गोल है कि मैं इंडिया के, अपार्ट फ्रॉम इंडिया आई हैव टू स्टार्ट माय ऑपरेशन इन से फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका, इन ब्राजील, इन चाइना। सो दिस इज द गोल ऑफ द कंपनी, माय कंपनी शुड ग्रो बाय दिस परसेंट। सो मेरा कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट अगर इतना बढ़ना चाहिए या तो अकॉर्डिंगली आपके आपका मार्केटिंग गोल भी अलाइंड हो जाता है, ठीक है। तो दिस वे, तो पहले मार्केट कंपनी का गोल, मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव जो रहते हैं वो कंपनी के रहते हैं, उसके बाद उससे अलाइंड होता है आपका मार्केटिंग गोल। और टू अचीव दिस मार्केटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यू टेक डिफरेंट एक्शंस एंड यू डिफाइन योर मीडिया ऑब्जेक्टिव्स। फाइन सर, इज इट क्लियर सर? सबसे पहले बोलो। हेलो सर, सबसे पहले तो सर जो मार्केटिंग परसेंटेज शेयर बढ़ाने के लिए सर, सबसे पहले तो जो ऑर्गेनाइजेशन गोल रहता है उसका मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रेटजी रहता है वो तो सर पहले से सेट रहता है, लेकिन जब शेयर बढ़ाना हो तो सबसे पहले मार्केट में जो हमारा कम्पिटिटिव प्रोडक्ट है जो हमारे अपोजिट में है उस पे कुछ अपने प्रोडक्ट पर बेटर क्वालिटी और एडवर्टाइजिंग अच्छे फेसेस के थ्रू लाइक आप जो कहना चाह रहे हैं, देखिए अभी आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव था कि मैं मेरा मार्केट शेयर 20% से 25% हो जाए या 25% से 30% हो जाए, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आप हासिल करना चाहते हैं। Now the next question comes कि कैसे हासिल करेंगे, क्या हम करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बिना कुछ किए तो होगा नहीं, हमें कुछ कुछ करना पड़ेगा। और वो कुछ कुछ क्या करना पड़ेगा, नंबर वन हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या जो प्रेजेंट आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है क्या इससे पॉसिबल है, जो आपका प्रेजेंट प्रोडक्ट्स हैं या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आप बोल सकते हैं, इफ यू हैव डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन योर किटी तो आप बोलते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप अपने प्रेजेंट प्रोडक्ट से अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं अपना कंपनी का? अगर लगता है कि नहीं तो आप न्यू वेरिएंट कुछ आप ऐड करते हैं उसमें, ठीक है। सो अगर लग रहा है कि नहीं, आप चॉकलेट डील कर रहे हैं, सो आपको लग रहा है कि सिर्फ चॉकलेट से हमारा कंपनी का मार्केट शेयर नहीं बढ़ने वाला है, सो हमें चॉकलेट के साथ साथ कुछ और भी करना होगा। So you have added something new, एक new product या new variant या ये कम ये कर सकते हैं। So sir, merge भी तो कर सकते हैं sir। हाँ merge, हाँ right। दो company sir collab तो आप वो भी कर सकते हैं sir। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। So that is another strategy, ठीक है। So वो क्या है कि आप कंपनी मार्केट टाइप क्रिएट हो जाए। हमने अपना मार्केट शेयर डिफरेंट स्ट्रेटजी, एक तो है कि अगर हमने से फॉर एग्जांपल कि जैसे टेलीकॉम मार्केट में क्या हुआ, एक्सक्यूज मी, मोनोपोली हो गया सर, जियो कंपनी का मोनोपोली फैल गया सर हर जगह, हर किसी को वो मतलब बंद कर रहा है, जैसे एयरसेल, ये सब आइडिया, वोडा, ये सब था सब। तो हमने अपने कंप्यूटर को ही ये कर दिया, यस सर, टेक ओवर कर लिया, ठीक है, यस सर, ठीक है। तो दैट कैन बी वन स्ट्रेटजी सर। दूसरा और भी हो सकता है कि यू हैव, हमने कहा आपके पास हर मार्केटर के पास 4 टूल्स है, हम बोलो Excuse me, sir. बोलो बोलो सर। जैसे सर इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर में सर जियो कंपनी जब से आई है तभी से बाकी और सारे टेलीकॉम नेटवर्किंग का सर, मतलब क्या हो गया है कि मार्केटिंग बहुत लो हो गया या बहुत ज्यादा लॉस में रह रहे हैं। जैसे सर फॉर एग्जांपल हम एयरटेल का लेते हैं तो एयरटेल इंडिया में की कंपनी हो के इंडिया में ग्रोथ नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा लॉस में है, अप्रोक्स वो 15,000 crore समथिंग के अप्रोक्स में लॉस में है, और अदर कंट्री के बेस्ड में प्रॉफिट में आके
कंपनी टिकी हुई है और तभी इम्प्लॉय को इवन वो अपने सैलरी दे पा रही है, तो सर उसको अगर फिर से ग्रोथ करना हो तो वो क्या करेगा सर? हाँ नाउ देखो, अभी ये क्या करेगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, कि कंपनी को प्रॉफिट में आने के लिए क्या करना होगा। नंबर वन सर, वो अपना कॉस्ट को और रैशनलाइज कर सकता है। सपोज दैट सर, अभी आपने कहा ना सर कि अगर आपका 20% है और आप उसको 25% में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो उस बेसिस पे हम सर कि अगर वो मान लीजिए कि कंपनी हमारी आपकी है, तो फिर हम लोग कैसे उसको क्या करेंगे? अगर वो यहाँ एक जगह पे इस कंट्री में लॉस में है और बहुत ज्यादा लॉस में है, और अदर कंट्री के बेसिस पे वो समहाउ हम लोग प्रॉफिट इवन इतना गेन कर रहे हैं कि हम अपने एम्प्लॉय को दे पा रहे हैं। तो वही यही चीज तो मैं आपको कह रहा था कि आपके पास 4 P's हैं। हर मार्केटर के पास 4 P's होता है, राइट? आपको लग रहा है जैसे आप एक जो आप बोल रहे हैं कि कंट्री इस कंट्री में वो उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है सर। सो ये कौन सा पीक पार्ट हो गया? प्लेस है ना, ये पीक एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी इज अ पार्ट ऑफ वन प्लेस। Yes, तो अभी आपको ग्रोथ लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम इंडिया में कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर और मार्केटिंग और कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स, यू आर नॉट एबल टू गेट मोर प्रॉफिट फ्रॉम दिस ज्योग्राफी, तो आपके पास सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप किसी दूसरे ज्योग्राफी में एक्सपैंड करें, नंबर वन। नंबर टू, आपको लग रहा है कि इस प्रोडक्ट के साथ, यानी कि जो हम टेलीकॉम सिर्फ डेटा और वॉइस का जो दे रहे हैं, टेलीकॉम सर्विस जो दे रहे हैं, इससे हमारा काम नहीं चल पाएगा, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट नहीं है, इज देयर एनी ऑप्शन कि हम इसके साथ में कुछ और दे जिसको हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, ठीक है। सो यू हैव टू बी इनोवेटिव, यू हैव टू फाइंड सॉल्यूशन कि आप इन चारों पीस, आप अगर किसी भी चीज को ब्रॉडली एनालाइज करोगे, यू विल कम डाउन कि आपके पास सिर्फ यही चार चीजें हैं। आप प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मींस मॉडिफिकेशन कहने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस कि मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस कि एडिंग सम न्यू वेरिएंट और न्यू प्रोडक्ट, फाइन। हाँ बोलो सर। yes, आपने अभी कहा है कि प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो सर दैट कैन बी अ टाइप ऑफ रिस्क नो सर, वी आर टेकिंग रिस्क बिकॉज इट कैन ब्रिंग फेल्योर। भाई रिस्क तो भाई विद, अच्छा ओके फाइन, विदाउट टेकिंग रिस्क क्या आप कभी गेन कर सकते हैं? हर जगह पे रिस्क है, ठीक है, बट जो बिजनेसमैन होता है, ठीक है, that they take risk on the basis of certain calculation, certain rationality, ठीक है। yes. हम calculated risk लेते हैं। एक हो गया, देखो risk भी बहुत तरह का होता है ना, एक हो गया कि mindless risk ले लिया एकदम बिना सोचा समझा, नहीं कुछ भी आग में कूद गए, ठीक है, one एक तरह का ये हो गया। दूसरा calculated risk ले रहे हैं कि मैं अगर ये काम कर रहा हूं तो मेरा क्या प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होने का, क्या प्रोबेबिलिटी है फेल होने का, और अगर मैं फेल होऊंगा तो नेक्स्ट में क्या कर सकता हूं, मेरे कितना लॉस मेरे को होगा। सो ये बिजनेस ऐसे थोड़ी ना चलता है यार, ठीक है, वहां पे हम अपने कंप्लीट एनालिसिस रहती है कि हम रिस्क जो ले रहे हैं उसका कॉस्ट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट रिस्क, यस, ठीक है। सो हर रिस्क का एक एसोसिएटेड कॉस्ट है, तो बेवकूफ लोग भी रिस्क लेते हैं और इंटेलिजेंट लोग भी रिस्क लेते हैं, बट इंटेलिजेंट लोग बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, वो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हाउ मच व्हाट आर द पॉसिबल इंप्लीकेशंस कॉन्सिक्वेंसेस इसको देखते हुए वो रिस्क लेते हैं। फाइन, हाँ फाइन, स्टैटिक से कैलकुलेट कर लेते हैं, ओके फाइन। सो योर मीडिया ऑब्जेक्टिव, सो योर मीडिया ऑब्जेक्टिव विल बी अलाइंड विथ योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग गोल। सो इसमें, सो इस ऑब्जेक्टिव के अंदर में क्या क्या चीजें रहती है, इट इंक्लूड्स योर, एक बार टाइम पे भी थोड़ा नजर रखना भाई, हाँ अभी तो टाइम है थोड़ा सा, है ना। सो यस, इट इंक्लूड्स टारगेट ऑडियंस, कौन होगा आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कौन होगा टारगेट ऑडियंस, कौन होगा टारगेट
क्या टारगेट मार्केट है, क्या टारगेट ऑडियंस है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ एनालिसिस। उसके बाद क्या समझना है, कितना, किस तरह के रीच और फ्रीक्वेंसी की जरूरत है टू अचीव दैट मार्केटिंग गोल। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब कि अगर से फॉर एग्जांपल हमने एड एक बार दिखाया आपको, हमने स्टार टीवी पे एक बार एड दिया, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि वो एड आपको याद रह जाएगा और उस एड से हमारा कुछ सेल होगा, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, इस चीज को देखना है। क्या आपको लगता है कि अगर हम पेपर में एक बार एड दे दे तो उससे हमारा कुछ बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा? सर अगर वो इनकेस इंटरेस्टिंग, आप बोलेंगे शायद नहीं, बिकॉज अगर एक दिन हम ऐड देते हैं किसी एक पेपर में एक बार ऐड देते हैं, हाँ कुछ 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 लोग हो सकता है उस दिन कुछ लोग देखेंगे, अगर जो देखते भी हैं तो बहुत जल्दी आपके एड्स हमारे मेमोरी से फेड अवे हो जाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी ये फेड कर जाते हैं हमारे मेमोरी से, भूल जाते हैं। That is the reason why companies keep on repeating their communications. ठीक है सर, हो सकता है कि उनका मोड थोड़ा चेंज हो जाए, कम्युनिकेशन का वर्ड्स चेंज हो जाए, बट दे ट्राई टू कीप ऑन रिमाइंडिंग थ्रू डिफरेंट वेज कि आई एम देयर इन द मार्केट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, फाइन। सो कभी मैं टेलीविजन पे दे रहा हूँ, कभी उस टेलीविजन में भी आपने देखा होगा बहुत सारे एड्स का डिफरेंट वेरिएंट रहता है, ठीक है, कभी वो जिंगल वाला रहेगा एड, कभी किसी और तरह का एड रहेगा, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड, सो कितना फ्रीक्वेंसी का जरूरत है, एक सेकंड जस्ट अ मिनट, कितना फ्रीक्वेंसी का जरूरत है मेरे को अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, दैट नीड्स टू बी असेस्ड, ठीक है। यस प्लीज बोलो सर। एक समय में सर कैडबरी का शेयर मार्केट बढ़ाने कुछ कहना चाह रहा था कोई। हाँ सर मैं प्रेमजीत सर, सर एक समय में कैडबरी का शेयर मार्केट बढ़ाने में दो रुपए चॉकलेट निकाला, मार्केट नहीं मार्केट शेयर, मार्केट शेयर तो ये बढ़ाने में सर दो रुपए का चॉकलेट कैडबरी का सर, जस्ट जस्ट कम अप अगेन, कम अप अगेन, कैडबरी कैडबरी सर, यस सर, यस सर, हाईली ग्रोथ का मार्केट, बोलो कैडबरी मार्केट शेयर, हाँ कैडबरी, कैडबरी बोल रहे हैं, यस सर, कैडबरी चॉकलेट, हाँ सो कैडबरी का ग्रोथ लेने के लिए, हाँ हाँ बोलो बोलो। उस टाइम में सर एक 5 से 10 रुपए का चॉकलेट दो टाइप के निकाल देता और एक ब्रांड, एक मिनट सर, हेलो सर मेरा एक क्वेश्चन है, आपकी वॉइस बीच बीच में थोड़ी क्रैक कर रही है डियर, हाँ बोलो सर। एक टाइम में सर कैडबरी का शेयर मार्केट एकदम सर मिनिमम था, तो उस टाइम में कैडबरी ने फेवरेट चॉकलेट निकाला जिसका नाम था 2 रुपए में 2 लड्डू, जो खाए वो पछता है, अजीर्ण खाए वो भी पछता है, जो कि लोगों का बहुत ही पसंदीदा एडवर्टाइजमेंट बना था उस टाइम में 2 रुपए में 2 लड्डू। उस टाइम के बाद सर कैडबरी कैडबरी डिफरेंट टाइप ऑफ चॉकलेट मार्केट में उतार दिया, जिसके कारण मार्केट शेयर कैडबरी का हाईली उन्होंने एक इस तरह का कुछ प्रोडक्ट लाया और उसको एडवर्टाइज किया कि 2 रुपए का 2 लड्डू, ठीक है, प्रोडक्ट वेरिफिकेशन, आई हैव नॉट सीन दैट एडवर्टाइजमेंट, इनफैक्ट अगर आपके पास वो एडवर्टाइजमेंट अगर मिलता है तो प्लीज मेरे को शेयर करना, ठीक है, आप यूट्यूब पे एक बार देखना, अगर वो एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है तो एक बार मेरे को शेयर करना। आप लोग को ऐसे भी बोला है क्या, आप लोग एडवर्टाइजमेंट कलेक्ट कर रहे हो सर? ऐसा आर यू कलेक्टिंग, सब मेरी होता है ना सर, जी सर हो रहा है कलेक्ट, ऐसा तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी होता है सर कि कोई कलेक्ट हो रहा है ना, तो हम लोग बीच बीच में हम लोग जिस दिन हम लोग का रिवीजन क्लास ये सब रहता है ना, वीक में एक दिन हमारा रिवीजन क्लास रहता है, ठीक है, तो हम लोग उस दिन कुछ एड्स पे डिस्कस करेंगे, अगर कुछ इंटरेस्टिंग एड आपने कलेक्ट किया है तो हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं, सो एंड वी विल शेयर स्क्रीन सर, तो इसमें आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। हाँ बोलो
किसी का और कोई क्वेश्चन था सर? मेरा है सर। हेलो। हाँ बोलो सर। ये एक सर क्वेश्चन ये है सर, जैसे सर कोई भी एडवर्टाइजमेंट चैनल स्टार स्पोर्ट्स है सर। हाँ हाँ बोलो, I'm listening to you, please. सर तो उसने आईपीएल जब हो रहा है 90 से, तो उसने एड्स का ना रेट है ना 10 सेकंड का 10 लाख रुपए रखा है, तो सर कोई भी कंपनी उस चीज में एड देने के लिए सोच समझ के ही करेगा, क्योंकि कोई हर लोग स्टार स्पोर्ट देखेगा क्योंकि सबको क्रिकेट पसंद है लगभग है ना, तो उसको बेनिफिट ज्यादातर चैनल को होगा या फिर ना कोई जो उसका प्रोडक्ट कोई ना उसमें लॉन्च करे उसके लिए। देखो हेलो, अब जैसे कि आपने जो थोड़ी वॉइस आपकी क्रैक की, जितना मैं सुन पाया हूँ जितना मैं समझ पाया हूँ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आईपीएल चल रहा है और उसमें टेलीविजन पे एड का रेट बहुत ज्यादा रहता है, 10 सेकंड्स का 10 लाख जैसा रहता है, दैट इज व्हाट यू वांट टू से, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन है कि ऐसा कंपनी अगर हम उस टाइम में एड देते हैं, ठीक है, तो कंपनी को क्या फायदा हो सकता है, चैनल को क्या फायदा हो सकता है, फाइन। चैनल से ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? यस सर, ये पूछ रहा है कि कंपनी को ज्यादा फायदा होता है या फिर चैनल को, तो चैनल को ज्यादा मतलब कंपनी को देखो ज्यादा प्रॉफिट होता है। हाँ देखो, ये कह पाना भी बहुत आसान नहीं है कि कंपनी का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, बिकॉज कंपनी का सेल सिर्फ एडवर्टीजमेंट से ये नहीं होता है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट इज वन पार्ट, रेस्ट अदर पार्ट। अगर हम ये मानते हैं कि रेस्ट अदर थिंग्स आर परफेक्टली ऑल राइट, हाँ सर, उसमें कंपनी जो मतलब एडवर्टाइजमेंट करती है, सर, तो वो फिर हाँ, मतलब कोई लो लेवल की, हर कंपनी का अपना बजट होता है। यस सर, अगर कोई कंपनी 10 सेकंड का 10 लाख दे रही है कि इतनी प्योर की वो प्रॉफिट गेन कर रही है तभी वो पे कर रही है। हाँ, तो कंपनी का एक अपना कॉस्ट और बेनिफिट है। आई हैव अ क्वेश्चन सर। हेलो, आई हैव आल्सो क्वेश्चन सर। ओके, लेट मी क्लेरिफाई फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एवरी कंपनी डज सम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। इफ एज अ कंपनी I'm spending 10 lakhs rupees for a 10 second ad, then definitely I will analyze कि मैं उस 10 lakhs से मेरे को कितना फायदा होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने बात किया था ना अभी, reach and coverage. So हम ये decide देखते हैं कि उस जो program जिसमें हमारा 10 lakhs रुपए लगने वाला IPL का मैच है, तो उसका कितना reach है, कितना coverage हो सकता है। और repeat भी तो होते रहता है, बस 10 second हाँ, हाँ, में। Definitely, that is frequency, अभी बात किया ना, because एक बार देंगे तो कितना chances है कि हमारा ad लोगों तक पहुंच पाएगा, जो हमारा target audience है, ठीक है? Yes, sir. So, say for example, मैं कोई mobile phone अब बनाने वाली company है, ठीक है? So, आपने IPL में सोचा कि IPL में जो, because IPL कौन लोग देखेगा? IPL कौन लोग देखेगा? सब youth, जो you can say young, youth? Youngster, sir. Yes, sir. हाँ. यंगस्टर्स देखेंगे, ज्यादातर यंगस्टर्स देखेंगे और पीपल जो 30 इयर्स और 40 इयर्स के अंदर वाले लोग होंगे, ठीक है, वही लोग देखेंगे। सो ये हमें देखना है कि क्या आपका प्रोडक्ट के लिए क्या वो राइट ऑडियंस है, अगर है तो कितना परसेंट चांस है कि हमारा कितना फ्रीक्वेंसी भी देना है वहां पे, कितना फ्रीक्वेंसी हमको ऐड देना है। क्या हम अगर एक बार ऐड देते हैं, मेरा एक बार ऐड देने में 10 लाख रुपया खर्च है, क्या 10 लाख रुपया खर्च से मेरे को मेरा सेल उस हिसाब से बढ़ेगा, क्या वाकई में मेरा बजट अलाउ करता है इस तरह का यूज एक्सपेंडिचर के लिए। सो ये बहुत सारी चीजें हैं, आप कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करते हैं अपना बजट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। हाँ, और क्या क्या नेक्स्ट क्या बात कर रहा था कोई? हाँ यस प्लीज सर। सर अगर आप जैसा बोल रहे हो सर, हाँ हाँ बोलो बोलो सर, वी विल डिस्कस टुमारो सर। हेलो, ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है, वी विल डिस्कस टुमारो। सो ओके फाइन फाइन, बिकॉज़ टाइम तो वाकई में होने जा रहा है, ठीक है। सो लेट्स क्लोज आवर सेशन टुडे।
उसके बाद जो भी होगा हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। भाई सर का पीपीटी स्लाइड भेज दीजिएगा। हाँ मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। ठीक है, सो नाउ आई एम डिस्कनेक्टिंग। ठीक है ना, चलो टेक केयर, बाय। ओके सर, ओके सर, थैंक यू, बाय, थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर। ये देखो ना, अफसा आसमिन न्यू क्लास खत्म।